नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। विधानसभा अध्यक्ष पटोले को बताई क्षेत्र की समस्याएं। तुमसर तहसील के आंबागढ़ में स्थित आश्रमशाला में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर किए जा रहे अन्याय एवं गोबरवाही परिसर के किसानों की समस्या से विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को अवगत कराकर तत्काल ध्यान देने की मांग की गई है। इस संदर्भ में पटोले के निवास स्थान पर गोंडवाना कृति संघर्ष समिति के शिष्टमंडल द्वारा भेंट लेकर निवेदन सौंपा गया है। संविधान से देश का विकास संभव। भीम सम्मेलन में बोले राउत, देश में विभिन्न क्षेत्र में देश विघातक विचार फैल रहा है। जाति के राजनीति में मनुष्य मनुष्य से दूर जा रहा है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति को दूर करने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा समाज की जानकारी रहने वाले महामानव के विचारों की आज आवश्यकता है। धम्म रूपी संविधान के कारण ही देश का विकास संभव है। यह प्रतिपादन राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने किया। वे भंडारा तहसील के शाहपुर के भीम सम्मेलन पंच कमेटी तथा बौद्ध विहार ट्रस्ट द्वारा 76वें ऐतिहासिक भीम सम्मेलन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजित पवार का दर्द। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजित पवार ने कल पुणे जिले के अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जहां उनके चाचा शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं वह खुद किसी तरह से 4 बार सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही बन पाए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।